दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि 2011 में केबीसी के विनर रह चुके सुनील कुमार जी को आज अपना जीवन दूध बेच करके निर्वाहन करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में, क्या आज उनको दूध बेच करके अपना जीवन चलाना पड़ रहा है? तो दोस्तों, केबीसी जीतने के बाद उन्होंने अपने कुछ पैसे ऐसा शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए जिनके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था, और उनके आधे पैसे जो है डूब गए। इसी तरह से उन्होंने अपना एक पुश्तैनी घर भी खरीदा, लेकिन पैसे आने की वजह से उनके जो नए दोस्त बने उन्होंने उन्हें कुछ ऐसे नशों में ढकेल दिया जिसके वजह से वो डूब गए। तो इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों, आप पैसे तो कमाइए लेकिन पैसों के ऊपर अपना काबू रखिए, पैसों को अपने ऊपर काबू मत रखने दीजिए, क्योंकि जो पैसा आपको आसमान तक पहुंचा सकता है वही पैसा आपको आसमान से ज़मीन पर ला करके पटक भी सकता है। तो प्लीज़ कुछ सीखिए।